चाहे चिड़ भवानी माता चाहे भैरवानी में। नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। साधकों, हम हमारे इस चैनल पर जितने भी टोटके लाते हैं उनसे सभी लोगों को फायदा हुआ है। काफ़ी लोगों ने हमें कॉल एवं मैसेज करके धन्यवाद भी दिया है। साधकों, हमारे मासिक धर्म टोटके पर काफ़ी महिलाओं ने काम किया था, काफ़ी महिलाओं को फायदा हुआ है, रिजल्ट अच्छा मिला है। कुछ महिलाओं को उनके रिजल्ट नहीं मिल पाया, तो आज हम आपके लिए जो टोटका लेकर आए उन महिलाओं के लिए लिख रहे हैं जिन्हें जो हमारे पिछले टोटके से फायदा नहीं मिल पाया, वह टोटका यह करके देखिए। साधकों, ये टोटके होते हैं, इनका इस्तेमाल आप अपने स्वयं के विवेक से कीजिएगा एवं सावधानी से कीजिएगा। चलिए साधकों, अब आपको बताते हैं आज का टोटका। साधकों, जिन महिलाओं के पति किसी अन्य स्त्री के संपर्क में आ गए हैं, अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देते हैं या उनका कहना नहीं मानते, घर में झगड़ा है, तनाव का माहौल है, तो स्त्रियों का जीवन नीरस हो जाता है एवं तनावग्रस्त रहने लगता है, जिसके उनसे मानसिक हालत खराब होने लगती है। चलिए आज हम आपको एक ऐसा टोटका बताते हैं जो मासिक धर्म से होता है, मासिक धर्म से स्त्री अपने पति को कैसे किसी गलत लाइन पर गए हुए रास्ते से वापस ला सकती है। साधकों, मासिक धर्म स्त्री के जीवन का एक सात्विक सत्य है। स्त्री जब अपने पूर्ण अस्तित्व में आती है तब उसे मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। मासिक धर्म प्राचीन काल से चला हुआ एक ऐसा चक्र है जिस चक्र को सदैव की भांति आज भी स्त्रियां यूज कर रही है, उनमें चल रहा है एवं होता रहेगा। मासिक धर्म से प्राचीन काल में भी टोटके किए जाते थे और आज भी किए जाते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा, इसे खिला दिया गया है, इसे पिला दिया गया है, तो ये सत्य होते हैं और इनमें पुराणों में भी इसके प्रमाण मिलते हैं एवं आपको अपने बड़े बुजुर्गों से देखा है, सुना भी होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। मान लो जो आपका पति किसी अन्य स्त्री के संपर्क में है या आप पे ध्यान नहीं दे पा रहा है या आपसे दूर है, आपसे वार्तालाप नहीं होता है, तो आप ये टोटका करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आपको करना क्या होता है, आपको ये टोटका करना होता है अपने मासिक धर्म से, लेकिन इसमें कुछ अलग है, कुछ नया है, ये इसको ध्यान रखने की बात है। मान लीजिए आपको जब मासिक धर्म आना शुरू हो तो उससे पहले आप 3 दिन तक दो लौंग और 2 इलायची का सेवन कीजिएगा। मासिक धर्म मान लो आपको पता होगा आपको 10 तारीख को आ रहा, तो आप 7 तारीख से इसका सेवन करना आपको ज़रूरी है। 2 लौंग और 2 इलायची इनका आपको सेवन करना है। और जिस दिन आपको मासिक धर्म आता है उस दिन आप उसी मासिक धर्म के अंदर 2 लौंग एवं 2 इलायची भिगोकर रख दीजिएगा अलग, ठीक है। आपको ये करना है 2 दिन। और जो मासिक धर्म का आपका कपड़ा जो पहला है उस कपड़े का एक ट्राइंगल मतलब त्रिभुज आकार का एक टुकड़ा आपको काट के रखना है, ठीक है। और रोज़ अपने पति के एक मंत्र होता है, जिस आपके जो भी आपके पति का नाम है उस नाम का एक वशीकरण का मंत्र बनता है, उस मंत्र के उपयोग को आपको मतलब जैसे ही आप पेड़ लगाते हो तो आपको 7 बार वह मंत्र बोलना होता है। आपको जितने भी दिन मासिक धर्म आए, मान लो 2 दिन 3 दिन 5 दिन, तो आपको ये प्रक्रिया करती रहनी। जिस दिन आप साफ हो जाओ, आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए, तो आपको आगे का कार्य क्या करना है। मान लो आपका मासिक धर्म गुरुवार को खत्म हुआ तो आपको शनिवार तक इसका वेट करना होगा। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, तो जो मासिक धर्म आपने पेड़ पर जो लगा के मंत्र बोला था वही मंत्र का आपको 21 बार उच्चारण करना है। और जो लौंग ओची लौंग और इलायची दो आपके पास 4 हो चुके हैं, आपको उस कपड़े के साथ जो आपने काटा था मासिक धर्म का, उस कपड़े के साथ आपको काट कर जला कर उसका एक भभूत बना लेना है, उसके एक पीस लेना है। और पीस कर आपको उसको नारियल का जो खोपरा होता है, जो अंदर का सूखा हुआ नारियल रहता है, उस नारियल के अंदर आपको 2 दिन रखना है। रखने के बाद में आपको उसका जाप करना है, जप करना है, मंत्रों का उच्चारण करना है। उसके बाद आप अगले शनिवार को अपने पति पर यह प्रक्रिया कर सकते हैं। आप जैसे उसको ये खिलाते हैं तो आप उसके मानसिक जो भी संतुलन है, जो भी वो गलत रास्ते पर है, वो वहाँ से छूटता है। अगर मान लो किसी ने उसे खिला पिला रखा है तो आपको उसका पता चलता है, ठीक है। और आप जैसा चाहते हो वह आपका वैसा रहता है, वैसे आपके बस में रहता है, आपकी इच्छाएं पूर्ति करता है। लेकिन साथी को अगर मान लो इसका आपको उपयोग कर रहे हो और आपको फिर भी फायदा नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि जो आप प्रक्रिया कर रहे हो आपके हस्बैंड पे हो सकती हो। तो इसके लिए आप किसी भी अपने मार्गदर्शक अपने गुरु से संपर्क कर सकते हैं एवं उनसे इसका वार्तालाप करके इसका समाधान जान सकते हैं। साधिकाओं, ये टोटके होते हैं, इनको बड़ी सावधानी से कीजिएगा एवं गुप्त तरीके से कीजिएगा। जब आप ये करते हो तो आप अन्य किसी को भी नाम नहीं बता सकते हो, जब तक आपका कार्य सिद्ध ना हो जाए, आप अपने तक ही रखिएगा, ठीक है। अन्य किसी भी जानकारी और समस्या के समाधान के लिए आप हमारे गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। जय माता जी, जय भैरवानी।